गुड इवनिंग दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में स्वागत है आप सभी व्यूअर का हमारे चैनल हिमालयन डायरी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं एक बहुत ही सुंदर लोकेशन पे, यानी कि ब्रोट वैली। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में बसी एक ये सुंदर सी वैली, ब्रोट वैली। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सामने जो आप गाँव देख रहे हो ना ऊपर, ये ब्रोट पड़ता है, ये ब्रोट गाँव है और ब्रोट गाँव के साथ इस वैली को जोड़ा गया है। अगर आप ऊपर देखो तो आपको ये ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ जहाँ पे देखने को मिलेंगे, काफ़ी सुंदर ये देवदार के पेड़, और इन पेड़ों के और पहाड़ों के बिल्कुल सामने ये ब्रोट गांव, काफ़ी सुंदर ये गांव। ब्रोट वैली में आपको जो घर देखने को मिलेंगे वो लकड़ी के बने हुए घर देखने को मिलेंगे, और इन घरों को लकड़ी और पत्थरों के साथ बनाया गया है। काफ़ी सुंदर ये घर हैं, कम से कम आप ले कर चलो 70 से 80 साल पुराने ये घर हैं। ये सारे का सारा आप ऊपर गांव देख रहे हो ना, ये सारा ब्रोट का गांव है। काफ़ी सुंदर ये गांव है और काफ़ी सारे लोग घूमने के लिए इन गांव में आते हैं और यहां पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। यदि आप भी कभी ब्रोट वैली घूमने के लिए आओ तो यहां पे आपको रहने के लिए काफ़ी अच्छे होटल मिल जाएंगे और कैंपिंग साइट मिल जाएंगी, जहाँ पर आप आके कैंपिंग कर सकते हो और हिमाचल की इन खूबसूरत वादियों का लुत्फ़ उठा सकते हो। तो अभी मैं बिल्कुल ऊहल नदी के किनारे खड़ा हूँ, जो कि ब्रोट वैली की सुंदरता को बढ़ाती है। काफ़ी सुंदर मनोरम दृश्य जहाँ का शाम के टाइम का, और सामने आप एक छोटा सा झरना देख रहे हो, उस झरने का पानी भी नीचे की ओर आ रहा है। और ये ऊहल नदी है, इस नदी का पानी आगे इस डैम में स्टोर किया गया है, और इस डैम में स्टोर किए हुए पानी को शांचन प्रोजेक्ट तक ले जाया जाता है, जो कि यहाँ से कम 48 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों ब्रोट वैली की खूबसूरत वादियों में आपको एक सुंदर सा फिशिंग फार्म मिलेगा, जो कि ब्रोट का बहुत ही खूबसूरत फिशिंग फार्म है, जहां पे ट्राउट फिश फार्मिंग की जाती है। बहुत ही सुंदर ये ट्राउट फिश फार्म है और काफ़ी बड़ा है। ये हिमाचल गवर्नमेंट के अंडर आता है सारे का सारा फार्म, और काफ़ी अच्छा ये फार्म है। तो लास्ट ईयर में यहाँ पर घूमने के लिए आया था, और इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है ट्राउट फिश फार्मिंग के ऊपर, कि कैसे इस फिश को तैयार किया जाता है और कौन कौन से रूल इस फिश को तैयार करने में फॉलो किए जाते हैं। तो आज मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से बताऊंगा जहाँ पे कि कितने प्रकार की यहाँ पे मछलियाँ हैं ट्राउट फिश फार्म में, और कैसी कैसी मछलियाँ और उनका साइज कितना है। तो चलो आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ अभी। और जी क्या हाल चाल है जी? बढ़िया सर। तो आपके पास कौन कौन सी फिशेस होंगी अभी अवेलेबल यहाँ पे? हमारे पास रेनबो ट्राउट है और ब्राउन ट्राउट है। तो अभी मैं आपको अंदर लेके जा रहा हूँ, ये जहाँ पे स्टोरेज टैंक बने हुए हैं जहाँ पे इन फिशेस को रखा जाता है। और इस वाटर का जो टेम्परेचर है बिल्कुल डाउन टेम्परेचर है, काफ़ी ठंडा ये पानी है, और इसी पानी के बीच में ये सारी की सारी ट्राउट फिश रहती हैं। तो काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ आपको इस फार्म के अंदर देखने को मिलेंगी। और ये जो फार्म है बिल्कुल हिमाचल गवर्नमेंट के अंडर आता है, और हिमाचल गवर्नमेंट ही के कर्मचारी इसकी देख रेख करते हैं। तो देख सकते हो काफ़ी सारी फिशेज इसके अंदर हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। तो इनका साइज़ तो काफ़ी बड़ा है वैसे, है ना? अच्छा, ब्रूड रहे हैं ये। तो इन दोनों टैंकों में आपको नर और मादा मछलियाँ देखने को मिलेंगी, काफ़ी मात्रा में इनको यहाँ पे स्टोर करके रखा गया है, और इन्हीं से मछलियों से बीज वगैरह तैयार किया जाता है। तो चलो आपको मैं सेलिंग पॉइंट पे लेके चलता हूँ, जो मछलियाँ सेल के लिए जाती हैं, यानी कि जो 250-300 ग्राम का जो पीस होता है, उस साइड भी आपको मैं लेके चलता हूँ और वो भी मछलियाँ आपको दिखाता हूँ। तो इन मछलियों को जहाँ पे बाड़े बनाए हुए हैं, देखो चारों तरफ आपको ये बाउंड्री वॉल देखने को मिलेगी, जहाँ पे बिल्कुल जालियाँ लगाई हुई हैं ताकि अननोन पर्सन जहाँ पे एंटर ना कर सके। तो अभी इस टैंक में जो आप मछलियाँ देख रहे हो, जहाँ पे ट्राउट देख रहे हो, ये बिल्कुल छोटी मछलियाँ हैं, इनको तैयार किया जाएगा सेलिंग के लिए। अभी ये काफ़ी छोटी हैं, और इस साइड आई थिंक ये इसका बी ग्रेड होगा। और यदि आपको मैं इधर लेके चलूँ, इस टैंक में आपको सेलिंग के लिए देखने को मिलेंगी मछलियाँ। ये सेलिंग टैंक है, और इस टैंक में जो मछलियाँ सेल आउट की जाती हैं उनको इस टैंक में स्टोर किया हुआ है यहाँ पे। ओके, ये सारी सेलिंग के लिए है। तो टैंक का पानी काफ़ी गहरा है, और मछलियाँ देखो ये सारी सेल के लिए रखी हुई है यहाँ पे। कम से कम 300-400 ग्राम का जो पीस होता है एक, और काफ़ी टेस्टी ये मछली होती है ट्राउट, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन लेवल होता है बिल्कुल हाई होता है, और ये मछलियाँ ओनली ठंडे पानी में रहने के लिए अनुकूल होती हैं। तो इसी कारण मछलियों को बिल्कुल ठंडे एरिया में तैयार किया जाता है, और ये जो ब्रोट वैली है बिल्कुल ठंडा एरिया यहाँ का,
और यहाँ पे गर्मी बहुत ही कम पड़ती है, क्योंकि इस एरिया में जो पानी आता है इन पहाड़ों से आता है, बिल्कुल दौलतदार रेंज से होता हुआ इन टैंकों में स्टोर किया जाता है और पाइपों के थ्रू उस पानी को इन फिशिंग एरिया में आगे मूव किया जाता है। तो काफ़ी सारी मछलियाँ आपको जहाँ पर ट्राउट फिश फार्म ब्रोट में देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, ये जो ट्राउट फिश होते हैं काफ़ी टेस्टी होती हैं। यदि आप ब्रोट घूमने के लिए आ रहे हो तो एक बार इन मछलियों का टेस्ट जरूर करें, काफ़ी अच्छी और टेस्टी ये मछलियाँ यहाँ की, इन पहाड़ों की वादियों की। तो आप जब भी यहाँ पे आएँ तो एक बार इन मछलियों का ज़रूर टेस्ट करें। तो चलो अभी बार की ओर चलते हैं और बाकी का एरिया भी आपको ब्रोट का मैं घुमाता हूँ। अभी स्कूल भी ओपन हो चुके हैं और स्कूल के बच्चे स्कूल से वापस अपने घर की ओर जा रहे हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? सेवन्थ में। कब से जा रहे हैं स्कूल? अभी। कितने बजे होती छुट्टी? 4:30। ओके, कहाँ पे स्कूल आपका? ओके, तो दोस्तों यहाँ के लोकल लोग, यहाँ के स्टूडेंट, इन गांव के बच्चे इन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं आसपास। यहीं पे आसपास काफ़ी अच्छे अच्छे स्कूल हैं और यहीं पे स्टडी करते हैं जे। तो आपके गांव का नाम क्या है? ब्रोट। कौन सा गांव आपका? वो ब्रोट, ये वाला भी ब्रोट ही है? मुल्तान। ये मुल्तान है। ओके, तो ब्रोट वैली घूमते घूमते मुझे यहाँ पे एक स्टूडेंट मिला और उनसे मैंने बातचीत की। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इनका गाँव ब्रोट है और ये पूरे ब्रोट गाँव के निवासी हैं। तो इनका भी अपना एक चैनल है, गेमिंग चैनल है। क्या नाम आपके? गेमिंग एक्स बॉय 14 गेमिंग। अच्छा, क्यूट एक्स बॉय 14 गेमिंग। तो दोस्तों इनके चैनल का नाम है क्यूट एक्स बॉय 14 गेमिंग। आप भी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी ये मेहनत कर रहे हैं, गेम बना रहे, गेम खेलते हैं और बताते हैं लोगों को एक गेम कैसे खेली जाती है। तो इनका गाँव बिल्कुल पास ही है ब्रोट में। आपका गाँव यहाँ से कितनी दूरी पर है? 1/2 किलोमीटर। ओके, छोटा सा है। छोटा गांव है। 8 किलोमीटर। ओके, इनका गांव ऊपर है, बिल्कुल कहते हैं कि छोटा सा गांव है हमारा। और काफ़ी ऊपर चलें तो भी बता, बोल रहे हैं कि हमारे गांव चलो आप ज़रा ऊपर तक घूम के आओ। तो मैं चलता हूँ ज़रा ऊपर तक, देख के आता हूँ, फिर वापिस आता हूँ। बाकी का भी आपको जो ब्रोट का एरिया वो भी घुमाना है। तो अभी अपना छोटा भाई कह रहा है कि मेरे गाँव चलो, ट्रेन की पटरी है। अच्छा, पीछे और ठंडी लाई है, वहाँ पे पार्क बन रहा है अभी। अच्छा अच्छा, ये तो मेरा घर है। ओके, सामने आपका घर है। ओके, मेरी मम्मा के डैड तो ऊपर रहता हूँ अपनी मासी के, नानी के पास। ओके, चलो इधर से, इतने अच्छे मिलेगी आपको। तो अभी यहाँ पे छोटा भाई कह रहा है कि इधर से चलो आप, इधर से आपको काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। तो देखो काफ़ी अच्छे अच्छे घर आए हैं यहाँ पे लोगों के। तो पहले लोगों के पास यहाँ पे लकड़ी के घर हुआ करते थे, आज भी मौजूद हैं लकड़ी के घर। तो अभी घर जो कुछ घर हैं जो बिल्कुल पक्के बने हुए, देखो सामने ईंटे और उसके ऊपर साथ में लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है और ऊपर टीन वगैरह डाली हुई है। टीन इसलिए डालते हैं यहाँ पर ताकि स्नो के टाइम में जो बर्फ होती है ऊपर गिरे और नीचे स्किट हो जाए। तो ये इनका घर है, काफ़ी सुंदर लोकेशन पर है, बिल्कुल वैली के बीच में है, काफ़ी अच्छा इनका घर। तो अभी ये कह रहे हैं कि मेरे मम्मी पापा यहाँ पे नहीं हैं तो अपनी मासी के पास ये रहते हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे तो आई थिंक यहाँ पे लहसुन की खेती की हुई है लोगों ने, लहसुन की खेती और प्याज की खेती। और वैसे ही ब्रोट वैली में आपको ये घास देखने को मिलेगा, कितने अच्छे तरीके से घास को यहाँ पर बांधा गया है। हैं, गन्ने नहीं, मक्की के। अच्छा, तो इनका कहना है कि ये गन्ने हैं पर ये मक्की का जो ट्रांडा होता है इसके ऊपर मक्की लगती है, उसके बाद काट लेते हैं, उसके बाद जो जानवर वगैरह होते हैं, गाय भैंस वगैरह या बछड़े, उनके उनको खिलाते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारी फसलें उगाई जाती हैं, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि जो ब्रोट में बंद गोभी, फूल गोभी और ये छोटू भाई का खेत। और इनका कहना है कि ये हमारा सेब का पेड़ है और काफ़ी सारे सेब इसमें लगते हैं। कौन से? वाइट गोल्डन लगते हैं कि दूसरे? रेड एप्पल। तो ये रेड एप्पल का, तो इनका कहना है कि ये रेड एप्पल सेब है और काफ़ी बड़े बड़े सेब यहाँ पे लगते हैं। और ये सामने लहसुन की खेती इन्होंने की हुई है, ये पहाड़ी लहसुन है, ये आपको ओनली पहाड़ों में देखने को मिलेगा और काफ़ी टेस्टी ये लहसुन होता है।
अभी हम बरोट गांव के बिल्कुल पास पहुंच चुका हूं। ये बरोट गांव है पीछे मेरे, काफ़ी सुंदर ये गांव है। तो अभी ये छोटा सा लड़का मुझे बोल रहा था कि मेरे गांव चलो, तो अभी शाम के कम से कम 6 बजे का टाइम हो चुका है, तो हाइट काफ़ी है गांव की, तो अंधेरा हो जाएगा और मुझे बाकी का एरिया भी घूमना है। अच्छा छोटा है, अच्छा काफ़ी अच्छा जो गांव है। चलो मैं थोड़ा सा आगे और चलता हूँ, कोशिश करूँगा कि गांव आपको विजिट करवाऊँ वहाँ का, ब्रोट वैली का। तो सामने एक सुंदर सा घर देखो, कितना अच्छा जो घर बना हुआ है, बिल्कुल पत्थर और लकड़ी का एक कॉम्बिनेशन जहाँ पे बनाया गया इस घर को बनाने के लिए, तो कितना अच्छा लग रहा है जो वैली के बीच में। अभी शाम का टाइम है और शाम के टाइम में जो वैली कुछ ऐसी देखने को मिलेगी आपको। अभी मैं बिल्कुल काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ, यानी कि ब्रोट विलेज की ओर जा रहा हूँ मैं। तो यदि आपको मैं नीचे से व्यू दिखाऊं, तो कम से कम मैं 0.5 किलोमीटर दूर से आया हूँ, काफ़ी पीछे से आया हूँ, तो काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ अभी मैं। तो अभी छोटू भाई साहब मुझे लेके जा रहे हैं अपने गांव की ओर, तो अभी मैं धीरे धीरे गांव की ओर जा रहा हूँ। तो ऐसे ही हर दिन ये स्टूडेंट जो हैं गांव से नीचे की ओर जाते हैं स्टडी करने के लिए। काफ़ी रास्ता तो थोड़ा टफ है, बरसात के टाइम में ऐसे रास्तों में काफ़ी मुश्किल होती है, तो पैदल ही ऐसे रास्तों पे ट्रैक करके ये अपने स्कूल की ओर जाते हैं। मेरे सामने बिल्कुल ब्रोट के स्थानीय लोग अपने बैल और गाय को अपने घरों की ओर ले जाते हुए, तो ऐसे ही यहाँ पे गाय और बछड़े और उनके छोटे छोटे बच्चे ऐसे यहाँ पे चलते हैं पहाड़ों के ऊपर। काफ़ी छोटी छोटी गाय और बछड़े आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ब्रोट गांव की ओर जाते हुए यहाँ पे अभी अभिषेक ने मुझे बताया कि ये हमारा पेड़ है, और इस पेड़ के ऊपर देखो उन्होंने घास कैसे रखी हुई है, ये मक्की की घास है और साथ में दूसरी घास, और कैसी लटकाई हुई उन्होंने। इसको कब खिलाएंगे जानवरों को? बाद में खिलाएंगे। सर्दियों में? नहीं, हाँ सर्दियों में। ओके, तो इनका कहना है कि इस घास को ये सर्दियों में अपने पशुओं को डालेंगे, तो देखो कैसे ये घास इन्होंने इस पेड़ के ऊपर रखी हुई है। अच्छा, तो देखो कितने सुंदर तरीके से इस घास को यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा, लोगों के भी हैं। तो इनका कहना है कि कुछ घास इनका अपना है और कुछ स्थानीय लोगों ने इस पेड़ के ऊपर रखा हुआ है। इस पेड़ के बिल्कुल सामने आप देखो तो वहाँ पे देखो लोगों ने मक्खी कैसे सूखने के लिए टीन के ऊपर डाली हुई है। ओके, तो अभी मैं बिल्कुल हाइट पे पहुँच चुका हूँ, जो सामने ऊहल नदी जा रही है नीचे की ओर, और अभी हम पहुँच चुके हैं ब्रोट विलेज में, और ये एक छोटा सा ब्रिज जहाँ पे सामने जिसके ऊपर स्थानीय पशु अपने घरों की ओर जा रहे हैं। तो अभी मैं ब्रोट विलेज पहुँच चुका हूँ, बिल्कुल ये ब्रोट विलेज है सामने, काफ़ी सुंदर ये गांव है पूरे का पूरा। देखो यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर घर लकड़ी के बने हुए हैं, और घरों के यहाँ सामने ये सुंदर सा गुम्मट बनाया हुआ लोगों ने अपने घास को रखने के लिए, देखो कितना प्यारा बनाया हुआ है। तो काफ़ी सुंदर ये गांव है ब्रोट गांव, कितना सुंदर है देखो, यहाँ के घर यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। जाओगे ना सारा नज़ारा दिखेगा आपको। अच्छा, हम ऊपर चल जाते हैं, हम तो बहुत ऊपर चल जाते हैं। और काफ़ी सुंदर ये गांव है, देखो कितने अच्छे अच्छे घर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ये लकड़ के बने हुए घर, काफ़ी सुंदर ये घर। काफ़ी सुंदर यह गांव था ब्रोट का, और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके मुझे, और मैंने काफ़ी सारे लोगों से यहाँ पे बातचीत की और उनके विचार जाने, और बिल्कुल टॉप पॉइंट पे इनका ये गांव ब्रोट। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि आज मैं ब्रोट का विलेज घूमूंगा, पर मुझे यहाँ पे स्टूडेंट मिल गए स्कूल
स्कूल के, तो उन्होंने बोला भैया आप हमारे गांव चलो ऊपर, यार आपको हम अपना गांव घुमाते हैं। तो मैं उनके साथ आ गया ऊपर की ओर, तो अभी मैं नीचे की ओर वापिस जा रहा हूँ।